डिग्री कर लीजिए। तुम लोग को पार्ट 16 में थ्योरम 7 जो पार्ट 16 नहीं 15 में पढ़ाए उसका रिवीजन कर रहे हैं ताकि अच्छा कंसेप्ट हो जाए। तो इसमें ये देख लो जो दिया हुआ है इसको पंक्ति में तोड़ करके पढ़ो। चार पंक्ति का थ्योरम है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यही तक देखो। दो समरूप त्रिभुज है जिसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो साबित करना है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अगर मान लो कोई दो समरूप त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो जैसे हम लिखेंगे उसी ढंग से समरूप त्रिभुज का कोण भी बराबर किया जाएगा। किसी भी उदाहरण हिसाब थ्योरम में ऐसे ही बात होगी, इसको याद रखना है। जैसे मान लो अगर मानते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, तो इसमें हम लोग पहला कोण ए पहले कोण पी के साथ मिलाएंगे। दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो ए बी सी पी क्यू आर पहला अक्षर पहले अक्षर के साथ मिलाओ, इसका अर्थ होगा कोण ए बराबर कोण पी। कोण ए मानेंगे मान लो अल्फा, तो कोण पी भी अल्फा होगा क्योंकि दोनों समरूप है। समरूप का मतलब दोनों का संगत कोण बराबर होगा और संगत कोण के सामने के भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज में हम लोग कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, इसी स्टाइल में कोण बराबर किया जाएगा। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी मान लो ये थीटा है, कोण बी बराबर कोण क्यू ये भी थीटा होगा। फिर कोण सी बराबर कोण आर, ये अगर डेल्टा है तो ये कोण भी डेल्टा होगा। जब ऑलरेडी दिया हुआ हो दो त्रिभुज समरूप हैं, तो कोई भी दो त्रिभुज मानेंगे तो हम लोग कोण इस अनुसार मिलाएंगे। जब ये कोण मिल गया तो दो समरूप त्रिभुज में संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो इसका अर्थ हुआ हम लोग को दो समरूप त्रिभुज ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि मान लिए, और इसके अनुसार कोण को बराबर करेंगे कोण ए बराबर कोण पी। बराबर अल्फा, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर थीटा एवं कोण सी बराबर कोण आर बराबर डेल्टा। चूंकि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात चर्चा ही है, कैसा त्रिभुज होना चाहिए, तो दो समरूप त्रिभुज होना चाहिए। तब हमें साबित करना है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो दोनों का अनुपात कैसे लिखेंगे। एरिया ए बी सी, यानी इसका अर्थ हुआ एरिया क्षेत्रफल ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का, इसको क्या पढ़ेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया ए बी सी अनुपात एरिया पी क्यू आर। पी क्यू आर दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितने के बराबर होगा जो हमें साबित करना है। तो देखो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों का अनुपात लिए हैं, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
यानी उनके संगत भुजाओं के अनुपात और फिर इसके वर्ग के बराबर होता है। तो दोनों में संगत भुजा कौन सा है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लिए जो किसके बराबर होगा, तो संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो संगत भुजा मान लो डेल्टा कोण के सामने की भुजा ए बी है, समान कोण के सामने की भुजा को संगत भुजा कहते हैं। तो डेल्टा कोण के सामने भुजा ए बी अनुपात, फिर संगत कोण लेंगे डेल्टा, तो डेल्टा के सामने पी क्यू, ए बी अनुपात पी क्यू। अब देखो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखे हैं बराबर किसके बराबर होता है, तो संगत भुजाओं के अनुपात, तो संगत भुजा का ये अनुपात लिखे है ना, के वर्ग के बराबर, यानी संगत भुजा का जो ये अनुपात हुआ इसके वर्ग यानी होल स्क्वायर कर दो इसके बराबर होता है। तो संगत भुजा तो दो ही नहीं है दोनों में, इसी तरह थीटा के सामने ए सी, तो थीटा के सामने पी आर, यानी ये ए सी अनुपात पी आर, ये भी तो संगत भुजा का अनुपात है, तो इसके वर्ग के बराबर भी होगा। और तीसरी संगत भुजा की जोड़ी जो है उसके अनुपात के वर्ग के बराबर भी होगा। तो एक कोण लिए ए बी लिए डेल्टा के सामने और थीटा के सामने लिए ए सी, तो डेल्टा और थीटा हो गया अल्फा, अल्फा के सामने बी सी है, तो दोनों का एक संगत भुजा ये भी है तीसरी जोड़ी, अल्फा के सामने बी सी, तो अल्फा के सामने क्यू आर, तो देखो तो इसके अनुपात के बराबर होता है। ये साबित करना है, इसको समझो क्या साबित करना है, दोनों समरूप त्रिभुज है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात साबित करना है किसके बराबर होता है, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो इनके पास तो दोनों त्रिभुज के पास दोनों में तुलना करेंगे तो संगत भुजा की तीन जोड़ी होती है, तो तीनों जोड़ी के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसमें पहला कोण के सामने लिए हैं ए बी डेल्टा के सामने, तो डेल्टा के सामने संगत भुजा का अनुपात ये पहला हुआ दोनों के अनुपात के वर्ग के बराबर, या दूसरी भुजा थीटा के सामने ए सी, थीटा के सामने पी आर, ए सी और पी आर का अनुपात, ए सी अनुपात पी आर, संगत भुजा का अनुपात हो गया फिर इसके वर्ग के बराबर यानी होल स्क्वायर के बराबर होता है। या तीसरी भुजा लोगे तो संगत कोण अल्फा, तीसरा कोण है संगत कोण अल्फा और अल्फा, तो अल्फा के सामने बी सी, तो अल्फा के सामने क्यू आर, तो संगत भुजा बी सी, बी सी अनुपात क्यू आर, बी सी अनुपात क्यू आर, दोनों संगत भुजा के अनुपात के वर्ग यानी होल स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ये साबित करना है दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के अनुपात, तो संगत भुजा तीन तीन होता है, तो तीनों का नाम लिखेंगे संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना होगा, समझा, ये साबित करना है एंड टू प्रूव। अब देखो इसमें बनावट लिखेंगे, तो बनावट में कहां बनावट की आवश्यकता होती है कहां नहीं, ये पढ़ने के क्रम में पता चल जाता है। इसमें सीधे दिया है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो जब ये दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल पहले निकालेंगे तो क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो किसी भी भुजा को हम लोग आधार माने, इसमें इसमें जो संगत भुजा है उसको आधार मानेंगे, तो उसके सामने वाले सिर से खींचा गया लंब ऊंचाई कहलाएगा, ऊंचाई हमें खींचना ही होगा जो प्रॉब्लम में नहीं दिया है, इसलिए कंस्ट्रक्शन बनावट में एक ऊंचाई खींचेंगे दोनों में और समान कोण से खींचेंगे, चाहे मान लो अगर डेल्टा कोण के सामने से खींचोगे तो आधार अगर ए बी को मानते हैं तो ए बी के सामने वाले शीर्ष सी से लंब खींचो, और फिर ये डेल्टा के सामने वाली भुजा है, डेल्टा के सामने वाली भुजा, तो इसमें इसको आधार मानोगे तो इसी को मानना है,
और इस आधार के लिए सामने वाले सिर से खींचा गया लंब आधार पी क्यू की ऊंचाई होगा। तो मान लो अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग नीचे वाला को ही आधार मानते हैं, त्रिभुज एबीसी में बीसी को आधार मानना है, तो इसका मतलब बनावट में बीसी के लिए बीसी के सामने वाले सिर से लंब खींचेंगे, इसको मान लेते हैं ओ और डेल्टा कोण के सिर से खींचे हैं तो डेल्टा कोण के सिर से इसमें भी खींचेंगे, इसको मान लो एस, यानी एको लंब बीसी पर खींचा तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। पी एस लंब क्यू आर पर खींचा तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, होगा ना। तो एओ लंब बीसी, एओ लंब बीसी एवं पी एस लंब क्यू आर, पी एस लंब क्यू आर पर खींचा। बोलो इतनी बात को समझा, कैसे कैसे चरणबद्ध बढ़ेंगे। पहले मान लेंगे दो समरूप त्रिभुज है, इसमें कोण दिखला देना है कौन कौन सा बराबर है, और जब कोण संगत कोण दिखला दिया तो एक चीज और दिखलाना है, जो संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात भी बराबर होता है ना समरूप त्रिभुज में, तो जब संगत कोण दिखला दिए तो संगत कोण के सामने की भुजा का अनुपात दिखलाएंगे, तो अनुपात हो गया जैसे मान लो डेल्टा कोण के सामने ए बी लेंगे तो ए बी अनुपात, डेल्टा कोण के सामने पी क्यू लेंगे ए बी अनुपात पी क्यू। दो समरूप त्रिभुज में संगत कोण के सामने की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, क्योंकि ऑलरेडी दिया ही हुआ है दो समरूप त्रिभुज है, तो जिसमें हम लोग कौन कौन कोण समान है ये माने हैं। अब समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, ये अनुपात बराबर करेंगे ए बी अनुपात पी क्यू बराबर डेल्टा के सामने बी सी अनुपात डेल्टा के सामने क्यू आर, बी सी अनुपात क्यू आर होगा, बी सी अनुपात क्यू आर। तीसरी भुजा आ जाओ थीटा के सामने ए सी, थीटा के सामने पी आर, यानी ए सी अनुपात पी आर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब दोनों समरूप है तो ये हम लोगों को प्राप्त है। इसको अगर लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू, ये कितना होगा बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। दो त्रिभुज समरूप है, समरूप है तो इसमें इसका मतलब ये हम लोगों को दिया हुआ है, इसको मान लेंगे समीकरण एक। तो जो बात ऑलरेडी दिया हुआ हो उसको, उससे हम लोगों को पहला समीकरण प्राप्त होता है और कौन 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 बराबर है ये प्राप्त होता है। तो बनावट में इस तरह लिखेंगे, अब देखो साबित करना है एरिया ए बी सी अनुपात एरिया पी क्यू आर, तो पहले एरिया ए बी सी निकालो प्रूफ, एरिया ए बी सी, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर एक बटा दो, आधार बीसी को मानेंगे बीसी, ऊंचाई हो गया ए ओ। इसको समीकरण दो मानेंगे, एबीसी का क्षेत्रफल निकल गया, अब एरिया पी क्यू आर, पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है, पुनः एरिया पी क्यू आर, पी क्यू आर तो वही होगा फॉर्मूला एक बटा दो गुने आधार गुने ऊंचाई, तो एक बटा दो पी क्यू आर में क्यू आर को आधार मानेंगे तो क्यू आर गुने ऊंचाई पी एस, ये हो गया समीकरण तीन।
दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। हम लोग को साबित करना है एरिया ए बी सी अनुपात एरिया पी क्यू आर बराबर इतना या इतना या इतना। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लिए, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिए और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बैठा कर देखते हैं क्या होता है। तो दोनों का जो अनुपात बैठाएंगे तो लिख सकते हैं अब एरिया ए बी सी अनुपात एरिया पी क्यू आर बराबर एरिया एबीसी कितना निकला है। एरिया एबीसी का वैल्यू निकला है ये, यानी पोस्ट एक बटा दू गुने बी सी गुने ए ओ निकला है ना। पहले एबीसी का एरिया कितना निकला है, फिर अनुपात एरिया पी क्यू आर, एरिया पी क्यू आर कितना निकला है ये। तो अनुपात एक बटा दू गुने क्यू आर गुने पी एस, समझ रहा है। इतनी बात को लिखेंगे अब इसको पुनः तोड़ेंगे बट्टा में तो लिख सकते हैं एरिया ए बी सी अनुपात बट्टा में टूटेगा तो, और एरिया ए बी सी बट्टा एरिया पी क्यू आर, एरिया पी क्यू आर बराबर इतना अनुपात इतना, तो इतना बटा इतना होगा तो एक बटा दू गुने बी सी गुने ए ओ बटा एक बटा दू गुने क्यू आर गुने पी एस। देखो एक बटा दू कट गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर बराबर बी सी बटा क्यू आर गुने ए ओ बटा पी एस। इसको समीकरण चार मान लेंगे। हम लोग को निकल गया किसका वैल्यू, इसको अनुपात में तोड़ेंगे तो एरिया ए बी सी अनुपात एरिया पी क्यू आर बराबर इतना निकला। एल एच एस लेफ्ट साइड का वैल्यू निकल गया, निकल गया ना। यहां तक समझा, प्रॉब्लम नहीं ना। ये निकाल लिए तो अब इसमें दो समकोण त्रिभुज है ना, इसमें भी दो समकोण त्रिभुज है, या तो दाई ओर वाला को समरूप कर दो या फिर बाई ओर वाला समकोण त्रिभुज को समरूप कर दो, किसी को भी कर दो। तो मान लो दाई ओर वाला को ही करते हैं, लिखेंगे अब त्रिभुज ए ओ सी, अब समकोण त्रिभुज ए ओ सी एवं समकोण त्रिभुज पी एस आर में दोनों में तुलना करो तो कौन कौन सा चीज बराबर है। तो इसमें ये कोण 90 डिग्री है, इसमें देखो ये कोण 90 डिग्री है, इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण ए ओ सी या सी ओ ए, ए ओ सी में कोण ए ओ सी बराबर पी एस आर में, पी एस आर में ये कोण है यानी कोण पी एस आर बराबर 90 डिग्री। दोनों का पहला पहला कोण मिला,
इसके बाद दूसरा कोण, ये कोण सी डेल्टा है त्रिभुज ए ओ सी में, ये कोण सी डेल्टा लिखेंगे, कोण सी त्रिभुज ए ओ सी की पहले चाचा है, तो इसकी बात बाई साइड में और इसकी बात दाई साइड में, तो पी एस आर में, इसमें ये डेल्टा है तो इसमें कोण आर है डेल्टा, तो कोण सी बराबर कोण आर बराबर डेल्टा, इसलिए ये दोनों कॉमन है, नहीं सॉरी कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों में तीसरा तीसरे कोण के बराबर हो जाएगा, ये है डेल्टा ये है 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज में ये कोण कितना होगा 90 माइनस डेल्टा होगा, ये समकोण त्रिभुज ए ओ सी में ये 90 है ये डेल्टा है, तो ये कोण कितना होगा, ये भी 90 डिग्री माइनस डेल्टा होगा, तो तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर हुआ, तो लिखेंगे तीसरे कोण को कोण ए ओ ए सी, कोण ओ ए सी बराबर कोण एस पी आर, एस पी आर बराबर 90 डिग्री माइनस डेल्टा। अब दोनों त्रिभुज में देखो तो त्रिभुज ए ओ सी का पहला कोण त्रिभुज पी एस आर के पहले कोण के बराबर, ये कोण की चर्चा है, ए ओ सी का दूसरा कोण त्रिभुज पी एस आर के दूसरे कोण के बराबर, ये भी कोण की चर्चा है, और त्रिभुज ए ओ सी का तीसरा कोण त्रिभुज पी एस आर के तीसरे कोण के बराबर, ये भी कोण का चर्चा है, तो इसका अर्थ हुआ सर्वांग सॉरी समरूपता के सिद्धांत ए ए ए से त्रिभुज ए ओ सी एवं त्रिभुज पी एस आर समरूप हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे समरूपता के सिद्धांत ए ए ए से त्रिभुज ए ओ सी समरूप, त्रिभुज पी एस आर होगा, ये बात लिख करके समरूपता के सिद्धांत ए ए ए से कितना होगा, और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, तो चूंकि दोनों समरूप हो गया है तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात निकालेंगे, तो मान लो डेल्टा कोण के सामने की भुजा कौन सा है त्रिभुज ए ओ सी में, डेल्टा के सामने ए ओ, तो लिखेंगे ए ओ बटा, इसमें डेल्टा के सामने देखो डेल्टा के सामने पी एस है, तो ए ओ बटा पी एस बराबर दूसरी भुजा 90 डिग्री के सामने ए सी है, तो ए सी इसमें 90 डिग्री के सामने पी आर है बटा पी आर, तीसरे कोण के सामने ये पूरा भुजा इस त्रिभुज का नहीं है ए बी सी का, तो तीसरा छोड़ देंगे, लेकिन इतना बराबर इतना होगा, ये बात लिख करके, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, इसलिए इतना बराबर इतना होगा ना, तो हम लोगों को निकला एओ बराबर एओ बटा पी एस बराबर ए सी बटा पी आर निकला, अगर मान लो ए बराबर बी है अब बी बराबर सी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए ए बराबर बी अब बी बराबर सी, तो ए बराबर बी बराबर सी लिख सकते हैं ना, तो ए सी बटा पी आर बराबर कितना है देखो, तो ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर है, ए सी बटा पी आर बराबर, इसमें हम लोग को ये जो निकला है इसको लिख सकते हैं, इसलिए ए सी बटा पी आर या यहीं पर ए सी बटा पी आर बराबर ए ओ बटा पी एस, ए सी बटा पी आर बराबर इसमें देखो बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, बोलो तो इसको समझा,
जैसे इतना तो हम लोग को निकला है ना, इतना तक प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना निकला। तो अब समीकरण चार में AO बटा PS, AO बटा PS का मान रख दो, समझा। लिखेंगे अब समीकरण चार में AO बटा PS का मान रखने पर AO बटा PS बराबर AC बटा PR निकला। AO बटा PS समीकरण चार के अनुसार है एरिया ABC बटा एरिया PQR बराबर BC बटा QR, और AO बटा PS का मान, AO बटा PS का मान ये निकला है, इसका वैल्यू रखेंगे तो AC बटा PR लिखाएगा, समझा इतना। फिर इसी को बढ़ाते हैं आगे, और एरिया एबीसी बटा एरिया पीक्यूआर बराबर बीसी बटा क्यूआर गुणे एसी बटा पीआर बराबर कितना है समीकरण एक में, एसी बटा पीआर बराबर बीसी बटा क्यूआर है, एसी बटा पीआर का वैल्यू रखेंगे बीसी बटा क्यूआर, बीसी बटा क्यूआर, ये एसी बटा पीआर के बदले ये जो लिखे हैं तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा ये हुआ कैसे, तो लिख देना समीकरण एक से, समीकरण एक से एसी बटा पीआर बराबर एसी बटा पीआर, एसी बटा पीआर बराबर कितना बीसी बटा क्यूआर है, बीसी बटा क्यूआर। हल इतना लिख लेने से देखो तो ये पता चल जाता है, इतना के बाद जो ये लिखे हैं तो बीसी बटा क्यूआर तो है ही, एसी बटा पीआर के बदले जो लिखे हैं बीसी बटा क्यूआर, तो ये कहाँ से, तो समीकरण एक से एसी बटा पीआर बराबर बीसी बटा क्यूआर, एसी बटा पीआर बराबर बीसी बटा क्यूआर, बोलो समझा। तो ये हो गया तुमको बीसी बटा क्यूआर का होल स्क्वायर हुआ होगा। इसके बाद फिर ये बोलो, अगर मान लो कहीं दिया हुआ हो देखो, समीकरण एक में क्या दिया हुआ है इसको पहले लिख सकते हैं, एसी बटा पी आर बराबर बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। तो अब यहाँ पर इसको मान लो हम लिख रहे हैं, इसी बात को लिख रहे हैं, इसको ये आया है एरिया ए बी सी बटा एरिया पी क्यू आर बराबर निकला है अंत में बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर कितना निकला है, इतना तक समझा ना। हम इसमें देखो तो ये तो समीकरण एक यहाँ लिखे हैं, इस समीकरण एक को मिलाओ, इस समीकरण एक के अनुसार बीसी बटा क्यू आर बराबर एसी बटा पी आर है, तो हम लोग इसके बदला लिख सकते हैं इतना बीसी बटा क्यू आर बराबर, बीसी बटा क्यू आर बराबर एसी बटा पी आर, एसी बटा पी आर, तो बीसी बटा क्यू आर बराबर एसी बटा पी आर, तो बीसी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर एसी बटा पी आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
फिर बराबर किसके है, तो देखो बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर बराबर इतना तो है ही, इतना भिन्न है ए बी बटा पी क्यू, तो लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। बोलो तो अब वास्तव में ये प्रूव्ड हो गया है, कैसे हुआ तो देख लो, साबित करना क्या है देखो, टू प्रूव अनुपात ए बी सी एरिया, ए बी सी अनुपात एरिया पी क्यू आर, इसको तो अनुपात में तोड़ोगे तो ये हो गया, इसलिए एरिया ए बी सी अनुपात एरिया पी क्यू आर बराबर बी सी बटा क्यू आर, को क्या लिखेंगे बी सी अनुपात क्यू आर, फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर, को क्या लिखेंगे ए सी अनुपात पी आर का होल स्क्वायर हो गया बराबर ए बी बटा पी क्यू, तो ए बी अनुपात पी क्यू का होल स्क्वायर इतना निकला। देखो तो यही ने साबित करना है, साबित हो गया, मिला लो ये मिलाओ यहाँ पर एरिया ए बी सी अनुपात एरिया पी क्यू आर, एरिया ए बी सी अनुपात एरिया पी क्यू आर बराबर बी सी अनुपात क्यू आर का होल स्क्वायर, बी सी अनुपात क्यू आर का होल स्क्वायर दूसरा बराबर ए सी अनुपात पी आर का होल स्क्वायर, ए सी अनुपात पी आर का होल स्क्वायर बराबर ए बी अनुपात पी क्यू का होल स्क्वायर, ए बी अनुपात पी क्यू का होल स्क्वायर, ये साबित करो या ये साबित करो, बात है बराबर कैसे कैसे साबित होता है समझ गया ना। पहला चरण में हम लोग हाँ मतलब बनावट में एक लंब खींचना है ना, मतलब किसी एक ओर का समकोण त्रिभुज लेकर के समरूप कर दो, तब लंब का अनुपात बराबर जो होगा, कैसे कैसे चरणबद्ध ढंग से समझ गया ना, तो उसका रिवीजन हो गया। कुछ थ्योरम है जिसको रिवाइज करना ही होगा, तीन थ्योरम इसमें ऐसा और है, सर्किल का थ्योरम इजी है, तो नेक्स्ट में थ्योरम नंबर 8 बतलाएंगे। त्रिभुज का भी कितना थ्योरम है, तीन चार।